कतराज एरिया वन क्षेत्र अंतर्गत संचालित शताब्दी कॉलोनी में कार्य के दौरान ड्रिल मशीन की टंकी ब्लास्ट करने से 2 कर्मी गंभीर रूप से घायल, 1 घायल कर्मचारी को बेहतर इलाज के लिए धनबाद असरफी अस्पताल रेफर किया गया। सोमवार को शताब्दी परियोजना में ड्रिल मशीन में ओल्डिंग कर रहे बीसीसीएल कर्मी प्रदीप बाउरी एवं बालाजी ड्रेस कंपनी के कर्मचारी बिष्णु सिंह ड्रिल मशीन को टंकी ब्लास्ट होने से घायल हो गया। प्रदीप बाउरी को मामले से चोट आई है, वहीं बिष्णु सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि बिष्णु सिंह और प्रदीप बाउरी ड्रिल मशीन के डीजल टंकी के समीप ओल्डिंग कार्य कर रहे थे और डीजल टंकी से डीजल लीक हो रहा था कि अचानक डीजल टंकी में आग लग गई और टंकी ब्लास्ट हो गई, जिसमें दोनों कर्मचारी आग के चपेट में आकर घायल हो गए। आनन फानन में दोनों कर्मचारी को बीसीसीएल के क्षेत्रीय अस्पताल डुमरा में लाया गया, जहां चिकित्सक के प्रदीप बाउरी को जांच कर प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल बिष्णु सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद असरफी अस्पताल रेफर कर दिया गया। बीसीसीएल एरिया वन के लाइन एम्बुलेंस की यह हालत है कि इस एम्बुलेंस में ना तो एसी चालू होता है और ना ही पंखा, और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि यह अस्पताल में खड़े एम्बुलेंस का ड्राइवर को उस समय बुलाई जाती है जब गंभीर रूप से घायल या अन्य कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो व्यक्ति को एम्बुलेंस में बैठा दिया जाता तो ड्राइवर में फोन किया जाता है, ड्राइवर साहब आते हैं। देखो अभी तक जो जानकारी मिली है, एक मजदूर हमारे वेल्डिंग कर रहे थे, वहाँ से थोड़ा सा गैस निकल गया, वो पीठ में लग गया। क्या किस चीज का वेल्डिंग कर रहे सर? वो टंकी का कैप लगा रहे। कितने मजदूर घायल हुए सर? एक मजदूर। मजदूर आपका है कि आपकी कंपनी का है? ये मजदूर आठसी ने, हम लोग काम करवाते हैं वर्क ऑर्डर से, वो बाला इंटरप्राइज के। सर नाम अब देखिए, उसका हमला हुआ कि जो डिपार्टमेंटल ड्रिल था उसमें कुछ काम ठेकेदार द्वारा करवाया जा रहा था और पता चला है, हम तो अभी तक पहुंचे नहीं वहां तक, पता चला है कि वहां का जो डीजल टंकी गैस उस फॉर्म हो गया, जिसके चलते वो ब्लास्ट हो जाने के कारण 2 कर्मी झुलस गए हैं। एक है बीसीसीएल कर्मी है और एक है ठेकेदार का, ठेकेदारी मजदूर है, और इस तरह से लापरवाही, प्रबंधन का लापरवाही इसमें साफ साफ दिख रहा है। इसके खिलाफ हम लोग जल्द ही आंदोलन करेंगे और यहाँ हॉस्पिटल का भी व्यवस्था चरमर है। अभी अपने साथ में देखा कि एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं था, एसी नहीं चल रहा है। ड्राइवर नहीं है, एम्बुलेंस लाइफ लाइन एम्बुलेंस है और उसमें अभी तक एसी नहीं काम कर रहा है, उस पर कोई देखने वाला नहीं है। इस पर हम लोग सभी यूनियन, सभी जनता से हम अपील करेंगे कि इस आंदोलन में साथ दें और बहुत जल्दी हम लोग आंदोलन करके इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे और जो भी मैनेजमेंट दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए।